फिर से आपका स्वागत करती हूँ हैजे न्यूज में। ट्रेन में पकड़ी गई एक महिला जिनके पास एक्चुअली ट्रेन की टिकट नहीं थी। उस दौरान जब टीटी ने पूछा उनसे कि टिकट दो, तो वो रो पड़े फूट फूट के, और उसके बाद की उसकी वजह सुन के वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो फूट फूट के वो भी रोने लग गए। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या है ये वजह जिसको वो महिला हर किसी को इस मामले में रुला रही है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी सरकार ने काफी सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि निकाले हुए हैं। अगर कोई रेलवे में सफर करता है तो उसके पास एक्चुअली रेलवे की टिकट होनी चाहिए जब वो सफर कर रहे हैं, और किसी भी डिपार्टमेंट में वो सफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके पास वो टिकट होनी चाहिए। अगर वो टिकट नहीं है तो उन लोगों को जुर्माना भी लगता है और 6 महीने की सजा भी होती है। कुछ लोग ऐसे पकड़े भी जाते हैं और उन लोगों को सजा भी होती है और उन लोगों को जुर्माना भी देना पड़ता है। पर ऐसे सब चीजें होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेलवे में विदाउट टिकट सफर करना पसंद करते हैं। हाल ही में ही एक लड़की रेलवे में पकड़ी गई, एक औरत रेलवे में पकड़ी गई और उसके साथ 2 बच्चे भी थे और उनके पास भी टिकट नहीं थी। जब टीटी उनके पास आया, जब उन्होंने पूछा कि एक्चुअली तुम्हारे पास टिकट तुम दिखाओ, तो वो फूट फूट के रोने लग गई। और उस टीटी ने ये चीज बोली कि रोने की क्या वजह है, हमने तो टिकट ही तुमसे मांगी है। तब उसके बाद उसने बताया कि 3 दिन से वो भूखी प्यासी इधर उधर घूम रही है, वो टिकट के पैसे नहीं ले सकते। और जब उनसे पूछा गया कि एक्चुअली वजह क्या है, तब उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले उसका पूरा सामान गायब हो गया और पूरा सामान चोरी हो गया। इसकी वजह से वो नहीं जा पा रही है अपनी जगह पर जहां पर उसको पहुंचना है, और ना तो उसने खाना खाया है ना तो उसने पानी पिया है। ये चीज देख के वहां पर टीटी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और वहां पर बैठे हुए लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। और जब टीटी ने बड़े अधिकारियों को वहां पर बुलाया और इस महिला के बारे में बताया, तब बड़े अधिकारियों ने उस टीटी को ये चीज बोली कि इस महिला को इसके स्थान तक, जहां पर इसका लास्ट रेलवे स्टेशन है जहां पर इसको जाना है, वहां तक सही सलामत पहुंचाया जाए और उससे पहले इन तीनों को भरपेट खाना खिलाया जाए और वहां पर वो लोग पहुंचे। तो आई होप गाइस आपको जानकारी जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा कि हमारे रेलवे के अधिकारी जो करते हैं वो काबिले तारीफ होता है। कभी कभार गलती कर देते हैं और हर किसी से गलती होती है। अगर आज की हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।